गुरु पूर्णिमा की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको बधाई। हमारी सरकार ने वैसे भी विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदल करके कुलगुरु किया है, क्योंकि गुरु परंपरा हमारी आदिकाल से चली आई है। अपनी संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली के बलबूते पर भारत दुनिया का सदैव नेतृत्व करता रहा है। अर्थात कई अर्थ में ऐसा माना जाता है कि हम अपने उस गुरुत्व की स्थापना के बलबूते पर मूल मानव संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इस अवसर पर मेरी अपनी सबकी ओर से आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सभी आध्यात्मिक संत महंत, हमारे सभी शिक्षाओं के प्राध्यापक, कुलगुरु, सभी विद्यार्थियों को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। सर, गुरु शिष्य परंपरा को आपने पुनर्जीवित करा है कि सब लोग अपने गुरु के, देखिए सच्चे अर्थ में हमारे माता पिता के बाद हमारा जीवन का नया पदार्पण जब होता है तो संस्कारित रूप से, शिक्षित रूप से जो जीवन का बदलाव आता है वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिसको प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा से कहते आए थे, इसलिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ये वो गुरुकुल है जिनने अपना अपने मौजूदगी में एक नया इतिहास रचा और भारत को दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। दुनिया के तमाम युवा इस गुरुकुलों में शिक्षा लेने के लिए भारत आया करते थे। उस परंपरा की पुनर्स्थापना हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है, सब चीज़ों में बदलाव आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्यवस्था के आधार पर, हमारी प्राचीन मान्यताओं के बलबूते पर, क्योंकि गुरु परंपरा ये हमारी आदिकाल से बहुत श्रद्धा की एक अलग अवस्था है, ऐसे में गुरुकुल की व्यवस्था पुनर्स्थापित हो, इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी अपनी बधाई।